नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देता चलूं कि उत्तर प्रदेश के सियासी सत्ता में डिंपल यादव की शानदार जीत हुई थी मैनपुरी उपचुनाव के दौरान और नेताजी की विरासत को वापस पा लिया गया था अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा। लेकिन इस जीत को बड़ी जीत में तब्दील करने के लिए यहां पर जरूरत पड़ी थी शिवपाल सिंह यादव की, उनके बेटे आदित्य यादव की, यानी कि परसपा पार्टी के नेताओं की भी। अब बात चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर और नगर निकाय चुनाव को लेकर। शिवपाल सिंह यादव कई बार अपने बयान में ये बात साफ कर चुके हैं कि जो भी जिम्मेदारी अखिलेश यादव उन्हें देंगे उसको हंसते निभाते नजर आएंगे, पार्टी से कभी मोहभंग नहीं करेंगे, पार्टी के साथ मरते दम तक बने रहेंगे। और आदित्य यादव से भी जब भी पूछा गया तो उन्होंने भी ये बात करी कि जब भी अखिलेश हमें कोई जिम्मेदारी देंगे हम उस जिम्मेदारी पर खड़े उतरेंगे और अपने आप को साबित करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि शिवपाल से पहले आदित्य को कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है। अभी MLC चुनाव को लेकर ऐलान होना बाकी है, नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। MLC चुनाव अखिलेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बात आती है जब नगर निकाय चुनाव, MLC जैसे चुनाव जो क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे तबकों पर बढ़ जाता है, वहां पर जैसे आप मान लीजिए आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप बड़े सियासी मंच से आवाज उठाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो शिवपाल को तो उम्मीद है कि उनको लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी मिलेगी किसी सीट से, जसवंत नगर से किसी सीट से आगे हो सकते हैं सांसद पद के लिए, वहां पर उनको उम्मीद है। यानी कि शिवपाल से पहले नगर निकाय और MLC चुनाव में आदित्य की भूमिकाओं को अखिलेश साफ करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा अभी ऐलान किया गया कि संगठन के तौर पर वो विस्तार करेंगे, युवाओं को जिम्मेदारी मिलेगी, गैर यादव और मुस्लिम समाज को जिम्मेदारी मिलेगी, OBC आरक्षण मुद्दे पर जो नेता सामने आए उनको जिम्मेदारी देंगे, अपनी ही पार्टी में ब्लॉक स्तर पर भी जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। तो ऐसे में प्रसपा के युवा नेता यहाँ पर आदित्य यादव की इन सब में भूमिका रहेगी कि अगर युवा कई सारे पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो अखिलेश हर मोर्चे पर साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर भरोसे का कोई आदमी आदित्य यादव साथ रहेंगे तो वहां पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तो अभी कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि खरमास के बाद जिम्मेदारी बांटी जाएगी, 15 तारीख खरमास खत्म भी हो चुका है लेकिन अभी तक जिम्मेदारियों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में तमाम ऐलानबाजी अभी होती नजर आएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम बातें भी इस बात को लेकर ध्यान रखी जा रही है कि कैसे आदित्य यादव को लेकर भी साफ कर दिया जाए, क्योंकि युवा है, जोशीले हैं, आगे कुछ भी कर सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने भी अपनी उम्र में जब युवा थे तब भी उन्होंने कई बार मुलायम का साथ छोड़ने की जरूरत सोची होगी। तो अभी अखिलेश के साथ बने हुए हैं नेताजी के जाने के बाद यहाँ पर जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव और आदित्य यादव दोनों, तो नगर निकाय चुनाव और MLC चुनाव दोनों चुनावों में आदित्य की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और संगठन की बैठकों के तौर पर किसको क्या जिम्मेदारी बांटी जाए शिवपाल सिंह यादव से भी वो सलाह मशवरा जरूर किया जाएगा। लेकिन जो पद की बात आ रही है उसमें कहीं ना कहीं मेयर पद के लिए, ऐसे बड़े बड़े पदों के लिए आदित्य यादव को भी आगे करने के लिए सोच विचार किया जा सकता है। तो लोकसभा चुनाव में शिवपाल और नगर निकाय चुनाव में आदित्य यादव, इन चर्चाओं को अब हवा मिलती नजर आ रही है। देखते हैं इन पर क्या ऐलानबाजियां होती है और कैसे इन कयासबाजियों का बाजार खत्म होता है और आगे कोई सचमुच जानकारी सामने आई। अभी तक तो खैर कयास ही लगाए जा रहे हैं कि ये पद मिलेंगे वो पद मिलेंगे, लेकिन कब ऐलान होता है ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।